आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनसे क्वेश्चन के चांसेस होते हैं बोर्ड में आने के। तो चलिए बच्चों, आप भी फर्स्ट बुक लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ टिक करते चलिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो की काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपको तो ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा स्कोर करना, तो आपको ये डोमेन और रेंज की टेबल अच्छे से आनी चाहिए। पहले सबसे पहले तो आप इस टेबल को याद करेंगे क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में कभी को हमसे पूछ लिया जाता है कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन लिखिए या साइन इनवर्स एक्स की रेंज लिखिए, तो हमें ये टेबल याद होनी चाहिए। सेस 2.1 की अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है जिसमें -1/2 लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/2, क्योंकि इनके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की जिनसे सॉल्व किए जाते हैं। 4th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, कोसेक इनवर्स -√2, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 14, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन। ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर इन पे आपको अच्छे से कमांडे अगर आपको आते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। वैसे ही इस साल के लिए बोर्ड में डिलीटेड है, पर मैं हर एक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो इसे देख सकते हैं, और बाकी जो डिलीटेड टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें एग्जाम्पल 5 जो कि काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.2 का, तो इसको आप टिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो है एग्जाम्पल 6, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 7 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल नंबर 8 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.2 की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये चारों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे हैं, इनको आप करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21। ये बच्चों हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से। अब हम बात करें मिसलिनियस की, तो देखिए देखिए मिसलिनियस में एग्जांपल 9 काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये आपको आने चाहिए ट्राइंगल लॉ से, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं 10 में, ये भी आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट में आता है। आफ्टर दैट ये भी आपको आना चाहिए एग्जाम्पल 11, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 12 भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम्पल आने चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सारे ही इंपॉर्टेंट टिक करवा दिए। नहीं बच्चों, ये बच्चों चैप्टर ही ऐसा है जहाँ पर हर क्वेश्चन अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको करना बहुत मस्ट है। अब बच्चों हम बात करते हैं मिसलेनियस की, तो देखिए मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है, 2b कन्वर्जन आते हैं, और इनमें से आपको ही 2 या 3 क्वेश्चन कर लें जिनसे हम ट्राइंगल लॉ को क्लियर कर सकेंगे, इससे हम ट्राइंगल लॉ मेथड से कर सकें। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 12th, ये लगातार चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 जो है 1 नंबर के लिए काफी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छी यूनिट्स होती है, इनमें बच्चों की बैंड भी बच जाती है, कुछ बच्चों को काफी इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ पर इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में।